News 18 India। हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। आज जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए, कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई, इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया, आप बताइए, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना जितना काम किया, और जब उन्होंने, जब सारा का सारा काम उन्होंने कर दिया, जो भी था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके और उसको आरक्षण दिया गया। आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना उसी समय शुरू कर दिया 1978 में, और उन्होंने ही कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग को 8% और अति पिछड़ा वर्ग को 12% का आरक्षण उन्होंने दिया था। ये पहली बार हुआ, आप जरा समझ लीजिए कि पहली बार उन्होंने ये काम किया। तब तो हम डिमांड करते हैं भाई कि पूरे देश में सब जगह हो जाना चाहिए पिछड़ा और अति पिछड़ा, हम तो ये आग्रह करते हैं।